फिल्म इश्किया तो सबाई देखेछेन। जी हाँ, फिल्म इश्किया में विद्या बालन थी, नसीरुद्दीन शाह थे और साथ में ही अरशद वारसी भी थे। इस फिल्म को कोई भूल भी नहीं सकता क्योंकि इसमें सभी एक्टर्स ने काफ़ी दमदार एक्टिंग की थी, किंतु ये एक्टिंग एर जोनो उन्हें किचु सैक्रिफाइस ही करे छे। खैर ओटा जेते दिन, किंतु एटा ते एटा बोल छी कि विद्या बालन इस फिल्म में एक्टिंग के जरिए इंडस्ट्री में उन्होंने अपना एक अलग नाम किया। नसीरुद्दीन शाह का हुनर जो है एक अलग ही हुनर से रूबरू कराया गया, वहीं अरशद वारसी के शो भाई बब्बन नामे एकदम हिट हो गए। वो सब किचु एकदम ही भालो छिलो, किंतु 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 ये सिनेमाटे आगे विद्या बालन फर्स्ट चॉइस छिलो ना डायरेक्टर्स के। जी हाँ, डायरेक्टर्स की वो फर्स्ट चॉइस नहीं थी। विद्या बालन ने इस मूवी में कमाल का काम किया, इसको कई अवार्ड्स मिले, इसको क्रिटिक्स की तरफ से तारीफ मिली, दर्शकों ने तारीफ की और 2010 में ये फिल्म आई थी, सभी लोगों ने तारीफ की, अवार्ड्स की ढेर लग गई, नेशनल अवार्ड भी पे गए छिलो ये मूवीटा। किंतु एटा ते सिनेमा ते विद्या बालन फर्स्ट चॉइस नहीं थी, तो कौन छिलो? जी हाँ, के छिलो इस सिनेमा ते विद्या बालन ने छाड़ा और कौन एक्ट्रेस के नीते चाहे छिलो? अभिषेक चौबे। जी हाँ, ये हम बताएंगे। मैं हूँ पिक्चर पर और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आगे की स्टोरी तो धीरे धीरे बताऊंगी। एट्टे तो शास नेते थे नामा के, जेमन के आमी बोललाम कि विद्या बालन डायरेक्टर से प्रथम चॉइस छिलो ना और जन्नो और के नेवार जन्नो ओरा भाव छिलो, किंतु प्रथम चॉइस जो तो छिलो ना ताहोले काके नेवार छिलो? जी, लेने वाले थे अभिषेक चौबे प्रीति जिंटा को। जी हाँ, डिंपल गर्ल प्रीति जिंटा उस दौरान बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी और उस दौरान वो टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। प्रीति जिंटा को लेना चाहते थे, प्रीति जिंटार काछे समय छिलो ना और जन्नो ओके नीते पारलो ना, तारपरे विद्या बालन ए सिनेमाटा करलो और विद्या बालन करे इंडस्ट्री ते एक अलग ही नाम उन्होंने कर दिया। सब लोगों ने बहुत पसंद किया है उनकी एक्टिंग को, उनके डायलॉग बाजी को, हर चीज़ को पसंद किया है, जो कि बनता भी है। विद्या बालन एक वर्सटाइल एक्ट्रेस है। उस दौरान जब प्रीति ने मना किया तो विद्या बालन के पास गए, वहीं पर खालू जान के लिए जहां पर नसीरुद्दीन के चूज़ करा हुए लो ओटार जन्य आगे संजय दत्त के चूज़ करा हुए छिलो। संजय दत्त के पास भी टाइम नहीं था तो खालू जान के लिए नसीरुद्दीन ने वहां पे काम किया और खालू जान के किरदार में और विद्या बालन अपने कृष्णा वर्मा के किरदार में इतनी जम गई कि लोगों को लगा ही नहीं कि ये गलत कास्टिंग हुई है। जी हाँ, इस मूवी में खालू जान और यानी कि नसीरुद्दीन शाह ने जो भूमिका निभाई उसमें और विद्या बालन ने कृष्णा वर्मा के रोल में लोगों के दिलों पे एक अलग छाप छोड़ी है। इसके जो प्रोड्यूसर थे वो थे विशाल भारद्वाज। वो संजय दत्त को लेने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जेटा होए छे ओटा भालो ही होए छे और सबाई के बहुत ही भालो लागलो इस सिनेमाटा देखे। ये कहानी थी लोकल गैंगस्टर की कहानी जिसमें विद्या बालन के जो पति होते हैं वो लोकल गैंगस्टर होते हैं। विद्या बालन फिल्म में कृष्णा वर्मा का रोल कर रही हैं तो नसीरुद्दीन शाह ने खालू जान का रोल प्ले किया जिसका नाम इफ्तिकार हुसैन होता है और अरशद वारसी बने थे रजाक हुसैन उर्फ बब्बन। जी हाँ, विद्या बालन ने इस फिल्म में कमाल कर दिया, सभी लोगों ने कमाल कर दिया। बजट थी 19 करोड़ की और लगभग बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह से जो एवरेज थी इस मूवी की इनकम वो काफ़ी कम थी लेकिन लोगों के दिलों में इश्किया और उसके कैरेक्टर्स ने कमाल कर दिया। विद्या बालन छा गई, नसीरुद्दीन का एक अलग हुनर दिखा, उनका अलग रूप दिखा और वहीं पे अरशद वारसी भी बब्बन के किरदार में खूब जचे, तो इस फिल्म ने कमाल कर दिया, नेशनल अवार्ड तक जीता। खूब ही भालो होए छे इस सिनेमा थके और प्रीति जिंटा को सिलेक्ट नहीं किया गया, विद्या बालन सिलेक्ट होए गए छे, खालू जानेर संजय दत्त छाड़ा ओखाने नसीरुद्दीन शाह ऐसे गए छे और सब किच्छु ही भालो होए गए छिलो। तो एरकम करे इस सिनेमाटा बनलो। केरकम लागलो आपनार ये स्टोरी था कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूँ गार्गी, मेरे साथ है संजीव कुमार, आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।